आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? देखो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ रहे थे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉडिफाई कैसे करना पड़ रहा है और क्यों करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि सॉल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में या दोनों सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएशन या डिसोसिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा था। अगर ऐसा होता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉडिफाई करना पड़ रहा था। हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था जिसमें सॉल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में कैसी प्रोसेस में गया, एसोसिएशन में। तो अगर हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, C1 डिवाइडेड बाय C2 अल्फा की nth पावर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। आज हमें डिस्कस करना है सेकंड केस हमारा, जो क्या है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो वन ऑफ द सॉल्वेंट में। एसोसिएशन में क्या होता है कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। डिसोसिएशन प्रोसेस क्या होती है कि एक्स मॉलिक्यूल्स टू और मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही से अपना केस लेके चलेंगे। हमने दो सॉल्वेंट्स लिए, सॉल्वेंट वन एंड सॉल्वेंट टू, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स थे। उन्हें मिक्स किया, उनमें एक्स सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। अब एक्स सॉल्यूट अपने आप को दोनों सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऊपर वाली लेयर हमारी फेज वन है, नीचे वाली लेयर क्या है, हमारी फेज टू। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेंज होगी कि एक सॉल्यूशन की लेयर में, ये मान लिया हमने सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, सॉरी, सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स में ए प्लस बी। ठीक, यानी जो स्टेट वन है, जो फेज वन है, उसमें तो सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन फेज टू में सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि दो इक्विलिब्रियम, टू इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। कौन कौन से, देखो, फर्स्ट तो ये जो एक्स और एक्स के बीच में है, फेज वन और फेज टू के बीच में। दूसरा क्या, जो एक्स डिसोशिएट हो रहा है ए और बी मॉलिक्यूल में जो फेज टू में प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, एक्स सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन को डिफाइन करना है। मान लिया जो टोटल कंसेंट्रेशन थी एक्स की फेज वन में वो कितनी है, सी वन, और टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज के टू क्या है, सी टू। ठीक है, यानी टोटल कंसेंट्रेशन जो हमारे पास फेज वन में है वो सी वन, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स क्या है इन फेज टू, सी टू। ठीक है, हमने माना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो फेज टू में वो क्या है, हमारी अल्फा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी, क्या कहते हैं, अमाउंट में हमारे पास फेज टू में होंगे। देखो, अगर हम इस रिएक्शन को नॉर्मली कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है सिर्फ उसी की कंसेंट्रेशन होती है, वन, हमने मान लिया वन थी उस टाइम पे, ये जीरो जीरो हो गए। ठीक है, अब थोड़े टाइम के बाद मान लिया कि ये दोनों अल्फा अल्फा बने, तो एक्स कितना बच्चा होगा, वन माइनस अल्फा। ठीक है, एक्स कितना बचा, वन माइनस अल्फा। अब हमारे पास एक्स की कंसेंट्रेशन कितनी है ओरिजिनली, सी टू, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, सी टू। तो यानी हमारे पास आफ्टर टाइम टी अगर हम ये देखें कि एक्स मॉलिक्यूल की अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, तो वो कितनी है, सी टू इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहाँ लगेगा, वो तो इस इक्विलिब्रियम पे लगेगा, हमने इस इक्विलिब्रियम पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। देखो कैसे लगेगा, सी वन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज वन,
कंसेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो नॉर्मल एक्स स्टेट में प्रेजेंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो इन्हें ही कंसीडर करता है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, सी वन डिवाइडेड बाय सी टू इंटू वन माइनस अल्फा। अच्छा ये फॉर्मूला हमारे पास कब आया, जब फेज टू में डिसोसिएशन हो रहा हो। मान लो ऐसा भी केस आ सकता है ना जबकि फेज वन में डिसोसिएशन हो रहा हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, सी वन इंटू वन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय सी टू इज इक्वल टू के। यानी जिस भी फेज में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा कंसंट्रेशन के साथ वन माइनस अल्फा की टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आया समझ में? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट केस है आपका, जिनमें दोनों फेजेस में, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन हो रहा हो। यानी अब की बार हमने टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया, सोल्यूट डाला, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब सोल्यूट क्या है, दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट फेज में भी ए प्लस बी मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है, सेकंड फेज में भी ए प्लस बी मॉलिक्यूल में भी डिसोसिएट हो रहा है। अगर अब हम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट केस में सोल्यूट के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन निकालें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी वन इंटू वन माइनस अल्फा, और फेज टू में निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, सी टू वन माइनस अल्फा। देखो अभी जैसे हमने लास्ट केस में किया कि एक्स मॉलिक्यूल किस में डिसोसिएट हो रहा है, ए प्लस बी में, राइट। हमने माना ये हमारे पास वन था तो ये जीरो जीरो थे, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद ये अल्फा अल्फा बन गए, तो एक्स हमारे पास कितना बचा होगा, वन माइनस अल्फा। अब फेज वन में हम क्या कह रहे हैं, इसकी कंसेंट्रेशन एक्स की हमने कितनी थी, सी वन, तो सी वन सबके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट मीन्स फेज वन में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, सी वन इंटू वन माइनस अल्फा। अब मैं इसी रिएक्शन को देखो, इक्विलिब्रिया तो सेम ही है ना, वो तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर मैं सी टू की यानी फेज टू के लिए लिखूं तो क्या है यहाँ, कि फेज टू में मैंने कितनी कंसेंट्रेशन ले रखी है, सी टू सी टू, तो ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, अब हमारे पास इस एक्स की और इस एक्स की कंसेंट्रेशन आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन वन फेज डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सेकंड फेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी टू इंटू वन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय सी वन इंटू वन माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। आया समझ में? यस मैम। अब जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें क्या है कि अभी तक तो हमारे पास कैसी कैसी प्रोसेस हो रही थी, या तो एसोसिएशन हो रहा था या डिसोसिएशन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो सोल्यूट हो वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ केमिकली कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बना ले, यानी व्हेन द सोल्यूट एंटर्स इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट। देखो ये कैसे होगा, सिंपली आपने अपना सिस्टम बनाया था, टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करा, उनमें सोल्यूट ऐड कर दिया और आपने रख दिया, ठीक है, सेटल डाउन होने के लिए आपने रख दिया। अब सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लिया इनमें से किसी एक सोल्यूट के सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये थी कि वो केमिकली कंबाइन हो सकता था और ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना सकता था, ठीक है। अब फेज वन में तो एक्स अपनी नॉर्मल स्टेट में है, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, सी वन, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन फेज टू में क्या हो रहा है कि एक एक्स मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ एक्स एन आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, एस एस से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, एक्स इंटू एन एक्स, ठीक है। अब भी इस केस में भी हमारे पास दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गए, एक तो सोल्यूट का बीच में जो नॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एग्जिस्ट होता है, एक्स एक्स फेज वन फेज
फेस टू। ठीक, दूसरा हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये एक्स मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या हम फेज वन में देखें, ठीक है, तो फेज वन में हमारे पास एक्स मॉलिक्यूल की नॉर्मल स्टेट है, तो उसकी कंसेंट्रेशन हमारी क्या है, सी। ठीक है, ऐसे ही हमने एक्स मॉलिक्यूल की फेज टू में जो नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है उसकी कंसेंट्रेशन हमने क्या मान ली, सी टू, और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कितनी मानी, सी एस, और इस कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन हमने कितनी मान ली, सी सी सी। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, दो इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट पे तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, तो हम इस फेज पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली सी वन डिवाइडेड बाय सी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्टीशन कोफिशिएंट, नॉर्मल स्टेट में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, तो यही हमारी कंसर्न थी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है ये वाला, ठीक है, इस पे हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमने देखो यही किया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक क्या है देखो सॉल्वेंट और सी एस आ जाएगा की पावर एन, क्योंकि एन कोफिशियंट है हमारे पास, ये आ गया। अब देखो हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तभी वैलिड होता है जब आपके सॉल्यूशंस क्या हो, डाइल्यूट हो। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो दैट मींस आपका सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है। अब अगर सॉल्वेंट एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज होगा ही नहीं, है ना। अब ये कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो हम इस क्वांटिटी को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। हम इसे राइट हैंड साइड पे ले गए, हमने मल्टीप्लाई करा, अब सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय समथिंग कॉन्स्टेंट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ही आएगा, उसको हमने एक न्यू नाम दे दिया के टू। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों साइड बोथ साइड वन ऐड कर देना है। वन ऐड कर दिया आपने, एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, सी टू प्लस सी सी डिवाइडेड बाय सी टू वन प्लस के टू। ठीक है, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करना है। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये वाली थी, इक्वेशन थर्ड आपकी ये वाली है, इनको दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सी टू से सी टू कैंसिल, सी अच्छा यहाँ के वन डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ क्या बच गया, सी वन डिवाइडेड बाय सी टू प्लस सी सी, ये सारा कॉन्स्टेंट ही है तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया K3। अब अगर हम इस कंसेंट्रेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है, देखो एक तो एक्स की वो कंसेंट्रेशन जो उसकी नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, दूसरी सी सी कौन सी थी, जो कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन, यानी जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ अटैच हो गए कंबाइन हो गए फेस में फेस टू में उनकी कंसेंट्रेशन, यानी एक तरीके से ये टोटल कंसेंट्रेशन है कि आपके फेस टू में कितना एक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देखो फेस टू की हम बात करें तो हमारे पास यही बन रहा था ना कि एक्स मॉलिक्यूल एन एस के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा था, एक्स एन एक्स। तो अब ये जो हमारे पास नीचे कंसेंट्रेशन आई है ये क्या है, एक तो इसकी कंसेंट्रेशन और एक यहाँ जो एक्स में एक्स एन में एक्स प्रेजेंट है यानी उसकी टोटल कंसेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज वन डिवाइडेड बाय टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज टू। ठीक है, और यही आया कॉन्स्टेंट। अब वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही है, ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ आ ले कह रहे हैं टोटल कंसेंट्रेशन ही ले रहे हैं कि भाई सॉल्यूट फेज वन में कितना प्रेजेंट है टोटली और फेज टू में कितना प्रेजेंट है ना। हाउएवर आपकी क्या हो रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉन्स्टेंट के की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आया समझ में। यस मैम, अब देखो अगर हम चारों केसेस का कंपैरिजन करें,
ठीक है, हमने चार केसेस स्टडी करे हैं, हम चारों केसेस का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट केस क्या था, यहाँ इस टेबल में हमने इस कॉलम में क्या शो किया, फेज वन में आपका मॉलिक्यूलर स्टेट क्या थी सॉल्यूट की, फेज टू में क्या थी, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला मॉडिफाइड। देखो फर्स्ट फेज में हमने क्या कहा था कि एक फेज में दोनों फेज नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था इसको फॉर्मूला C1 by C2 = K, नॉर्मली हमारे पास ये फॉर्मूला था। फिर हमने ऐसा पढ़ा कि वे एक फेज में एसोसिएट हो जाए, तो हमने फर्स्ट स्टेट में नॉर्मल रखा, सेकंड सॉल्वेंट में एसोसिएट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, C1 by C2 / nth पावर, अगर अल्फा की वैल्यू क्या है 1। अब फिर हमने क्या माना कि एक फेज में डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था, C1 / C2 1 - अल्फा। और फिर अगर हमने माना कि एक फेज में कंबाइन हो रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था, C1 / C2 CC = K / 1 + K2। ये थे आपके चार डिफरेंट केसेस। अब हमें जो पढ़ना है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अभी तो देखो हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, उसी के रिस्पेक्ट्स में हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला स्टडी करा। अब हमें क्या करना है, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन डिराइव करना है। वो कैसे करेंगे हम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जो टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, और अगर हम उन्हें सेम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो उनका केमिकल पोटेंशियल सेम रहता है। केमिकल पोटेंशियल पता है आपको, म्यू होता है ना, यानी आप अगर ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड लो और उनमें सेम सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो दोनों में केमिकल पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने माना कि सॉल्यूट टू इमिसिबल लिक्विड्स में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी, ठीक है, जिन्हें हमने मिक्स करके अनडिस्टर्ब रख दिया है ताकि वो सेटल हो सके। ठीक है, अब सॉल्वेंट ए का हमने केमिकल पोटेंशियल कैसे कंसीडर किया, म्यू ए से, और सॉल्वेंट बी का किससे किया, म्यू बी से। ठीक, अब हमने पता है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, बोथ फेजेस के लिए इक्वल होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तभी आता है जब ये दोनों सॉल्यूट्स आपस में क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं दोनों फेजेस में सॉल्यूट। तो हमने हमें पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट प्लस RTln A। अब म्यू नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, ए क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1। ठीक, अगर मैं अब इस फॉर्मूले को यूज करके म्यू ए की वैल्यू लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ, μ = μ0 a + RTln A। ऐसे ही अगर मैं फेज बी के लिए लिखना चाहूँ तो भी लिख सकती हूँ, μb = μb0 + RTln AB, है ना। अब एट इक्विलिब्रियम इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, म्यू ए किसके इक्वल है, म्यू बी के इक्वल, तो दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर दो, इक्वल पुट कर दी मैंने। अब क्या करें, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं हम, तो मैंने आरटी वाली टर्म को एक साइड रख लिया, म्यू नॉट्स वाली टर्म को एक साइड रख दिया। तो देखो अब मैं इस टर्म को यहाँ ले आऊं तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है, और इस टर्म को यहाँ ले आऊंगी तो म्यू नॉट ए माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों में से आरटी कॉमन आ सकता है, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ गया, RTln AA / AB, यहाँ क्या आ गया, μ0b - μ0a। ठीक है, हमने क्या किया, आर टी को यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड लाएंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो हमने मान लिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ परफॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए म्यू नॉट ए और म्यू नॉट बी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आर टी पहले से ही कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गए, तो टोटल क्या आ जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस टर्म का एंटी लॉग लू, ठीक है, मैंने इस टर्म का एंटी लॉग लिया, तो इसका भी एंटी लॉग आएगा कौन, कांस्टेंट टर्म का। अब कांस्टेंट टर्म का एंटी लॉग भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी। अगर आपको पता है, अगर आपके सॉल्यूशंस डाइल्यूट होते हैं, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी किसके इक्वल आ जाती है, कंसेंट्रेशन के। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तो ये कंडीशन ही होती है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का परफॉर्म कर सकते हो जब आपके सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो। तो एक्टिविटीज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन से। तो हमारे पास क्या आ गया, कंसेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन बी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी के, और ये के ही क्या है हमारा, पार्टीशन फंक्शन। तो हमने थर्मोडायनेमिकली केमिकल पोटेंशियल को यूज कर कर भी, हमने केमिकल पोटेंशियल से यूज करके हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आया समझ में? यस मैम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्मोडायनामिकली।